आया है उसके बारे में कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रांतियां हैं, और केंद्र सरकार ने जो इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला किया है, यह उचित है, मुनासिब है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ, मतलब उनके कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलाई गई हैं या जितना प्रभाव उस समाज पर पड़ा है उन योजनाओं के कारण, कोई चुनौती के साथ बता दे कि आज तक किस सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए उसका आधा, उसका एक तिहाई भी किया हो। नहीं सर, आप लोग उचित मानते हैं कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया सदन में, ये उसके पक्ष में है, ये हित में है, मुसलमानों के हित में है और इसे लागू होना चाहिए। हमने क्या कहा आपको? हमने कहा कि जो बिल आया है उसके बारे में कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रांतियां हैं, और केंद्र सरकार ने जो इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला किया है, यह उचित है, मुनासिब है। अब जो इनकी चिंताएं हैं उनको सुन के निराकरण किया जाए। सहयोगी दलों के दबाव के बाद या सहयोगी दलों के मांग के बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। अब ये दबाव में उनका तो स्वयं का किरण रिजिजू जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनका ही प्रस्ताव आया कि इसकी बेहतर और बृहत्तर संसदीय समीक्षा के लिए इसको संयुक्त प्रवर समिति में दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी ये चाहती है। सर, क्या आप लोग से बात हुई थी कि बोर्ड जो संशोधन बिल ला रही है तो उसमें कहां तक नहीं, अभी तो आ गया ना, अब तो सबके सहमति वाला निर्णय हुआ है। अभी जो संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला है, यह तो अच्छा फैसला है ना, तो इसलिए इसमें क्या दिक्कत है? कैसे पेंडिंग पड़ गया है? संयुक्त प्रवर समिति में जाना मतलब पेंडिंग होना नहीं होता है, उस बिल की गहराई से अध्ययन होना होता है।